नमस्कार साथियों, मैं नवर्तन आपका NH पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे राजस्थान में जो SC ST की जातीय सूची है उसमें कई प्रकार की ऐसी जातियाँ हैं जो हमारी नायक जाति से मिलती जुलती है, जैसे कि नाना नायक, मोटा नायक, भील नायक और नायकड़ा। ऐसी एक जाति है जैसे नायकड़ा जाति है, उसका जिक्र मेरे फेसबुक ग्रुप पे एक साथी ने किया है इनके अलावा कि नायक और नायकड़ा में अंतर क्या है। तो आज हम उस अंतर के बारे में ही बात करेंगे कि इसमें ये नायकड़ा कैसे बना, नायक से अलग है या नहीं, या ये दोनों एक है, या अलग जो जातियां हैं जैसे मोटा नायक, नाना नायक, तो इनके पीछे नायक क्यों लगता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम भाषा परिवर्तन की बात करें तो ये सदियों से चला आ रहा है कि एक शब्द को भाषा परिवर्तन में पिरोकर मूल अर्थ और संरचना ही बदल दी जाती है। ठीक वैसे ही नायक और नायकड़ा शब्द के साथ हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा। नायक शब्द है जो सिंधु सभ्यता का शब्द है, जिसकी मूल संरचना है वो क्षेत्रीय संरचना के साथ जुड़ी हुई है। अब बात आती है कि ये नायकड़ा कैसे हुआ। नायकड़ा शब्द की उत्पत्ति तब हुई जब नायक शब्द ने पूर्णतः जाति का रूप धारण कर लिया था, यानी कि नायक जाति बन चुकी थी। नायक शब्द का राजस्थानी भाषा के साथ शब्द परिवर्तन हुआ और एक नया शब्द निकला नायकड़ा। नायकड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई और वर्तमान में एक अलग जाति बन गया। यह ठीक वैसे ही है जैसे मीना और मीणा, इंग्लिश में MINA लिख और हिंदी में मीणा लिखा जाता है। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना।